TV31 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अपने तेलंगाना में माने अस्थि बोले तो नायक नरसिम्हा रेड्डी साहब है, उसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी साहब है, उसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी साहब है, अपने को लेके चलने वाले श्री बेकी साहब है, पहले नायक नरसिम्हा रेड्डी साहब, उसके बाद में श्रीनिवास रेड्डी साहब। आदाब, सलाम अलैकुम सबको। इस मीटिंग में आज के हमारे रामनगर के सदर, टीआरएस के सदर रेशम मलेश और मेरे भाई फरुख भाई, एजाज हुसैन भाई, जावेद भाई, अमजद भाई, खालिद भाई और हमारे माइनॉरिटी के सदर वाहिद भाई और एसटी सेल के प्रेसिडेंट कल्याण और कृष्णा खुर्शीद भाई साबिर, और किसी का नाम नहीं लिए तो मेरे को अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। फिर भी क्योंकि आज ऐसा सिचुएशन है, आज मुशीराबाद के हलके में 119 हलकों में मुशीराबाद हलके को ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इधर से ये राज्य से जो होम मंत्री है नायक नरसिम्हा रेड्डी साहब, इधर से तीन बार इस हलके से तीन मर्तबा एमएलए रह चुके हैं उनका, और सब मजहबों का सबका भी अच्छी तरह से वो ख्याल कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और बूढ़ों के लिए पेंशन दे रहे हैं, बेवाओं के लिए पेंशन दे रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए पेंशन दे रहे हैं, और कोई माइनॉरिटी बच्चे अगर बाहर जाके पढ़ना चाहे तो उनके लिए 20 लाख का अमाउंट भी दे रहे हैं। ये 20 लाख अमाउंट को लोग भी नहीं बोलते अपन, क्योंकि वो जो 20 लाख अमाउंट जो बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, वो बच्चा वो फिर कुछ भी बनने का नहीं है आज गवर्नमेंट के लिए, ऐसा पूरे भारत देश में इधर भी नहीं। वैसे कई कारनामा केसीआर साहब ने किया है, फिर आने वाले दिनों में भी उनका सरकार आएगा ये तो 100%, क्योंकि कांग्रेस सरकार को तो अपन कई सालों से जेल रहे, फिर भी अपन डेवलपमेंट देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें मेन थिंग करप्शन, कांग्रेस बोले तो करप्शन बोले तो कांग्रेस, उससे ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको सबको पता है, आज आप लोगों की मेहरबानी से मैं एक कॉर्पोरेटर बना रामनगर से, और जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर तीन बार, बोले तो हैट्रिक हो गया, ये कॉर्पोरेशन में भी ये हैट्रिक भी रिकॉर्ड ही है अपने उसमें रिकॉर्ड है, क्योंकि एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर को तीन बार मौका से, बोले तो सीरियस एम्बिशन ये रहता है कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना, बल्कि एक सीढ़ी उतर जाऊंगा बल्कि कोई भी नहीं सोचता, अगर आप पढ़ रहे यूकेजी से फर्स्ट क्लास को आना सोचते उसके बाद में सेकेंड, वैसा ये भी ऐसा ही है, सियासत भी वैसा ही है, क्योंकि एक ट्रेड यूनियन लीडर बना मैं नायक नरसिम्हा रेड्डी साहब के दया से, फिर बाद में आप लोगों की और सब लोगों की दया से, केडीआर अन्ना की दया से एक कॉर्पोरेटर बना, जीएचएमसी कमेटी मेंबर बना, फिर बाद में मेरा भी एक कॉप रहता क्या, और एक सीढ़ी चढ़, और एक सीढ़ी क्या है और वो सीढ़ी मैं हक से पूछ रहा हूं, मैं वो क्या बोलते हैं मांग रहा हूं नहीं, हक से पूछ रहा हूं, पार्टी को हक से क्यों पूछ रहा हूं मैं काम करने का जज्बा रखता हूं, और लोगों से भी काम में उनको भी शामिल करने का भी मेरे को वो है, इसके लिए मेरे को एक मौका अगर इस आरएसओ इलेक्शंस में मेरे को अगर मौका दिया गया, मैं 100% पार्टी का नाम रोशन करूंगा, इधर भी पार्टी को रिमार्क नहीं आने, ये तीन साल में भी किधर भी रामनगर डिवीजन में अगर कोई एक शख्स ऐसा है कि अरे ये कॉर्पोरेटर तो हमारे पास रिश्वत लिया बोल के अगर कोई भी बोले ना, नाक जमीन पर रगड़ूंगा और कॉर्पोरेशन को इस्तीफा भी दे, और मैं अकेला करना बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ पार्टी में कितने लोग भी जुड़े हुए, कोई भी कार्यकर्ता कोई भी लीडर अगर किसी का कोई मकान बन रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके पास जाके अगर एक रुपया भी रिश्वत लिए तो भी उन सब लोगों के तरफ से भी मैं नाक रगड़ूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे पे मेरे को है और मेरे पार्टी के ऊपर है, और पार्टी में जो भी काम कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आज टी पार्टी का
इंतजाम किए हैं उनको भी शुक्रगुजार हूं और खास करके फरूख भाई को क्योंकि वो जब शुक्रिया अदा करते हुए जय तेलंगाना जय भारत। एक मिनट हमारे सीनियर नेता प्रकाश भाई भी दो लव्स बोल एक मिनट एक मिनट Gracias.